दोस्तों आज हम इस वीडियो में उन 5 WWE सुपरस्टार के बारे में जानेंगे जो सबर स्लैम 2022 में मैच जीतकर सभी को हैरान कर सकते हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 5 में आते हैं लॉगन पॉल। लॉगन पॉल ऑफिशियली WWE सुपरस्टार बन चुके हैं और उन्हें पिछले हफ्ते रॉ में वापसी के बाद मीज के साथ सबर स्लैम में मैच सेटअप किया था। लॉगन पॉल इस मैच के जरिए द मीज से रेसलमेनिया 38 में उन्हें धोखा देने का बदला लेना चाहेंगे। हालांकि द मीज के मुकाबले लॉगन पॉल के पास WWE रिंग में लड़ने का उतना अनुभव नहीं है। लॉगन पॉल का यह पहला सिंगल मैच होने वाला है और संभव है कि कंपनी उन्हें स्टार के रूप में पेश करने के लिए द मीज के खिलाफ मैच में जीत के लिए बुक करके सभी को चौंका सकती है। नंबर 4 पे पैट मैकेफी। WWE के स्टार कमेंटेटर पैट मैकेफी इस साल समर स्लैम में हैप्पी कॉर्बिन के खिलाफ मैच लड़ते हुए दिखाई देंगे। देखा जाए तो पैट मैकेफी के मुकाबले हैप्पी कॉर्बिन काफी ताकतवर सुपरस्टार है, इसीलिए इस मैच में उनकी जीत की संभावना काफी ज्यादा है। वही पैट मैकेफी भले ही फुल टाइम रेसलर नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी उनके पास WWE में लड़ने का काफी अनुभव है। यही कारण है यह बात तो पक्की है कि मैच के दौरान वो हैप्पी कॉर्बिन को काफी टक्कर देने वाले हैं। बता दें पैट मैकेफी इससे पहले इस साल समर स्लैम में थ्योरी को हराते हुए दिखाई दिए थे। संभावना यह भी है कि पैट इस मैच के दौरान कॉर्बिन को हराते हुए सभी को हैरान कर सकते हैं। नंबर 3 पर रोंडा रोजी। WWE स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियन लिव मॉर्गन को इस साल समर स्लैम में रोंडा रोजी के खिलाफ मैच में अपना टाइटल डिफेंड करना है। इससे पहले लिव मॉर्गन मनी इन द बैंक इवेंट में अपना कॉन्ट्रैक्ट कैश इन करने के बाद रोंडा रोजी को हराकर ही स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियन बनी थी। लिव के चैंपियन बनने के बाद ऐसा लग रहा है कि वह लंबे समय तक इस टाइटल को होल्ड करने वाली है। देखा जाए तो MITV इवेंट में लिव मॉर्गन ने रोंडा रोजी वर्सेस नाटालिया मैच के बाद अपना कॉन्ट्रैक्ट कैश इन किया था और रोंडा के थके होने की वजह से लिव को उन्हें हराने में आसानी हो गई थी। हालांकि इस बार ऐसा नहीं होगा और किसी भी सुपरस्टार के लिए रोंडा रोजी को हराना आसान नहीं रहा। इस मैच में लिव मॉर्गन को हराकर उनके चैंपियनशिप रन का अंत करके सभी को हैरान कर सकती है। नंबर 2 और 1 पर आते हैं स्ट्रीट प्रॉफिट। WWE सुपरस्टार स्ट्रीट प्रॉफिट इस साल समर स्लैम में द उसोस के खिलाफ अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियनशिप मैच का हिस्सा है। इस मैच में किसी तरह की चीटिंग होने से रोकने के लिए जेफ जैरेट मैच का गेस्ट रेफरी बनाया गया। जेफ भी दावा कर चुके हैं कि वह इस मैच में किसी तरह की चीटिंग नहीं होने देंगे। इस बार द उसोस चीटिंग नहीं कर पाएंगे और स्ट्रीट प्रॉफिट्स भी उनके टक्कर की टीम है, इसलिए स्ट्रीट प्रॉफिट्स इस मैच में द उसोस को हराकर नए अनडिस्प्यूटेड WWE टैग टीम चैंपियन बनते हुए सभी को चौंका सकते हैं।